लोकसभा चुनाव 2024 के समर में जहां देश भर में चुनाव प्रचार अभियान तेजी से चल रहा है, वहीं इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनसंपर्क अभियान जोरों पर है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर पहुंचे, जहां उनके द्वारा भागलपुर से एनडीए के जदयू प्रत्याशी अजय कुमार मंडल के समर्थन में रोड शो किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री हवाई अड्डा पहुंचे, जिसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला विवाह भवन से रोड शो के रूप में तिलका मांझी से रवाना हुआ। सीएम के रोड शो का स्वागत समाहरणालय स्थित पटेल चौक पर जदयू और हम पार्टी के नेताओं द्वारा किया गया, जबकि वहां से गुजरते हुए काफिला महात्मा गांधी पथ से घंटाघर चौक पहुंचा, जहां भाजपा समेत एनडीए के सहयोगी दलों द्वारा फूलों की वर्षा कर मुख्यमंत्री और एनडीए प्रत्याशी का स्वागत किया गया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चारों ओर सुरक्षा घेरा बना रहा, जबकि मुख्यमंत्री ने बस की छत पर आकर समर्थकों और जिले के विभिन्न जगहों से पहुंचे आम लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। साथ ही एनडीए प्रत्याशी अजय कुमार मंडल ने भी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए 26 अप्रैल को होने वाले मतदान के दिन समर्थन देने की अपील की। रोड शो के दौरान गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल, पूर्व सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल समेत जदयू के कई बड़े नेता भी शामिल हुए। इसके अलावा रोड शो में भागलपुर और प्रदेश स्तर के नेताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नीतीश कुमार के समर्थन में नारा लगाया और भागलपुर लोकसभा प्रत्याशी के पक्ष में शहरवासियों से वोट करने की अपील की। इस दौरान समर्थकों और शहरवासियों में मुख्यमंत्री को देखने के लिए काफी उत्साह दिखा, जबकि पूरा रोड शो सुरक्षा व्यवस्था के घेरे के बीच शहर से गुजरते हुए वाहनों के काफिले के साथ रवाना हुआ। वहीं इस दौरान पूरा भ्रमण मार्ग जदयू के झंडों से पटा दिखाई दिया। भागलपुर जिले में आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष रूप से संपन्न करवाने को लेकर पुलिस एवं सीआरपीएफ के जवानों ने मंगलवार को फ्लैग मार्च निकाला। सनोकर थाना अध्यक्ष रंतेज ने बताया कि भागलपुर जिले में 26 अप्रैल को मतदान होगा। थाना अध्यक्ष ने कहा कि भयमुक्त मतदान के लिए सनोकर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया, जो सनोकर चौक से शुरू हुआ और नारायण वाटी, बैजनाथपुर, सेलन खजूरिया, बेलडीहा, कुशाहापुर, साहूपाड़ा, बड़ी की चकमजा धुआ वे चंडिका स्थान से होते हुए सनोखर थाना पहुंचकर संपन्न हुआ। फ्लैग मार्च में सनोखर थाना के एसआई मनोज कुमार, सीआरपीएफ के अवर निरीक्षक सहित दर्जनों जवान शामिल रहे।